नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइट हो जाता है ना, कट नहीं पाता है, तो दम लगा लगा के काट रहे हैं। मैं तो चक्कू से काट पाती हूँ, फिर इन्होंने कहा कि ले आ, मैं ही काट देता हूँ। तो नहीं, ये काटने में कटते तो एक वो होता है बसूला वगैरह, उससे कटते हैं, लेकिन वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम काट रहे हैं हंसिया से। फिर हमारे पास इतना आम भी नहीं, हम अचार लगा रहे के बसूलस की जरूरत पड़े नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा ही लगाना है। फिर भी 5 किलो आम लाए थे कल, अभी इसे काट के पानी में देखे डालते जा रहे हैं और नमक हल्दी मिला के थोड़े देर के लिए धूप में रखेंगे, घंटा भर के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारी बेटी जी प्यारी बोतलों को भर रही है फ्रिज में रखने के लिए। अभी थोड़ी खपा खपा है मुझसे मुझसे तो हमेशा ही खपा ही रहती है ये। गुस्सा हो गई, इधर दिखाओ चेहरा अपना, चांद सर्वसन चेहरा कैसे बालों का रंग सुनहरा। देखूं तेरी आंखें आंखों में से। आंखों में चश्मे का पहरा है ही नहीं। तो बूढ़े हो गए, कहाँ से अच्छी आएगी। बनाए थे लेकिन कलाकंद जैसे ये बन गए, है लिट्टी नहीं ज्यादा हो गई, वरना कलाकंद बन गए थे ये। पन्नी में तो कनू में और ठीक है, सही है उधर में तो आप बनाई थी 10-12 बनी थी। हाँ, सही है, नखरेड़ आ जाते हैं। हाँ मारती नहीं है, मारती नहीं है, मारेगी नहीं किसी को। हाँ उधार दे रही, खाते नहीं आदू कुछ नहीं खाता वो अपना मुंह। चाची दे भाई भाई का तो शाम का समय हो गया और हमारी किधर आया है कोई सी बर्फ लेकर। ये बर्फ पे गोला तो दोस्तों ये देखिए, आस्था ले आई है गोला और गोला उधर उधर बिच रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे आइसक्रीम वाला बिकती टाइम पे आया है, आपको दिखाते हैं पर्ची का गोला। ये देखिए, ये देखिए, खाएं। आपको खाना हो तो आ जाए हमारे गांव में। ये 10 वाला है और करेला में मिलता है 50 का ही। चलिए दोस्तों गोला खाते हैं, शाम तो देखिए बहुत हो गई है ना। और मैं तो पता नहीं कब कब मैंने खाया था और आज खा रही हूँ। हेलो।
नमस्कार दोस्तों, और अभी हो चुकी है देखिए सुबह। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम इतने समय में जग गए हैं, लाइट अभी जल रही है, बुझा देंगे थोड़ी देर में क्योंकि थोड़ा अंधेरा। और इस तरफ देखिए, दोस्तों यहाँ पे देखिए हम दोनों बिल्कुल फ्रेश हो गए, हाथ मुँह वगैरह धो लिया है। अब करेंगे घर की सफाई। बाहर मैंने झाड़ू लगा दी है और आज ढेकी घोल ली है। आज से द्वारे के बाहर जो है ढेक लगा दूंगी, उरेन डाल दूंगी। ये देखिए मैंने मट्टी अच्छे से घोल ली है और ये डाल दूंगी कपड़ा। चलिए उरन कभी नहीं दिया है और आज पहली बार है, सफाई बाहर हो गई है। देरी पे ही लगाई जाती है ना ये देरी है। शुभ काम हो गया है ये, मतलब ऐसे देरी लीपना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डल रहा है गाय को, देख लीजिए सानी, गाय का खाना रोज ही ऐसे डालते हैं हम लोग। क्योंकि धोनी का टाइम हो गया है तो इसलिए जा रहे हैं धोनी करने, और इसको डालेंगे फिर उसके बाद धोनी करेंगे। ये देखिए गाय भी मचल रही है, जल्दी जल्दी खाना डालो मुझे। मैं खड़ी हूँ दोस्तों डंडा लेके, यहाँ पे धोनी हो रही है। डंडा लेके ना खड़े रहो तो बहुत बुरी लात मारती है। अभी तो बहुत प्रेम से इसलिए इनको खाना रखा जाता है पहले। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दीवार जो है अब लगभग कंप्लीट होने वाली है। देखिए कितनी बची है, कितनी बची हुई है। और दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है इन दीवारों को उठाने में, एक एक गोंदा जोड़ जोड़ के जब जाके ये दीवारें बनती है। और दोस्तों मैं यहाँ काट रही हूँ तरबूज, ये देखिए। काम खत्म हो गया तो मैंने उनके लिए देखे फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा तरबूज काट दे रही हूँ खिलाने के लिए। और अभी खाना पीना नहीं हुआ है तो थोड़ा सा नाश्ता के ही लिए हो जाएगा ये। दोस्तों आप सभी भी खाने तरबूज, इन दिनों तो बहुत अच्छे लगते हैं तरबूज, लेकिन ठंडे हो तो और भी ज्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाना धोना करने के बाद, लेकिन ये वाला जो कमरा है साफ़ नहीं करी थी क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो अब जाके इस कमरे की सफाई कर रही हूँ, और आस्था भी स्कूल से आ गई है।
तो यहाँ पे दोस्तों थोड़े देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अब दोपहर हो गया है, धूप बाहर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आम का अचार बनाने के लिए सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, और ये हैं मसाले, राई, धनिया, पीली वाली सरसों, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची। तो दोस्तों सारे ही मसाले मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। एक दो मसाले और हैं जो कि पिसे हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे थे। अजवाइन जैसे कि हो गया, ये सभी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। इन्हीं सब चीज़ों से स्वाद तो बहुत अच्छा अचार में आ जाता है। तवा रख दिया गर्म होने के लिए, और धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करके हल्का सा बिल्कुल भुनना है। ज़्यादा भुनने से अचार जो है वो एकदम काला हो जाता है और स्वाद उसका अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमी धीमी आँच में सभी मसालों को अलग अलग करके भुनने लगी हूँ। दोस्तों ये बात सच है कि मेरे को मेरे ही हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अचार बनता तो है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका स्वाद थोड़ा सा वैसा लगने लग जाता है बाजार के अचार जैसा। लेकिन मैं थोड़ा नमक कम डालती हूँ और अचार भी अच्छा बनता है, और साल भर तक रखे रहो चलता भी है। मैंने पिछले साल भी 3-4 बार मैंने आम का अचार बार बार रखा था, वो सारे ही अचार एक भी बार ख़राब नहीं हुए, सारे हमने खा लिए। और एक होता है गांव का अचार, एक होता है शहर का, वो उबाला हुआ अचार, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना वो बिल्कुल लगता है कि गांव का अचार है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी मसाला भुनने के बाद मैंने इस लोटे को साफ़ कर लिया था। एक बार और देखिए कागज़ से साफ़ कर ले रही हूँ, कि धूल वूल अगर बैठ गया हो तो वो साफ़ हो जाएंगे। और उस पर पीसने लगी हूँ मसाला, मिक्सर में नहीं पीसूँगी क्योंकि मिक्सर वाला जो होता है वो स्वाद कम होता है। तो दोस्तों ये देखिए पिस गया है पूरा मसाला, और अब इसे डाल लेते हैं इस बर्तन में। यहाँ पे जो मैंने मसाले पीस लिए उसमें नमक, हल्दी, तेल, ये सभी चीज़ें मिला दूंगी। पिसा हुआ चीज़ मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हल्दी के अलावा, और यहाँ पे सारे ही मसाले। तो ये देखिए इसमें मिला दिया है नमक, हल्दी, और इतना मसाला मैंने जोड़ा है, और इतना है आम का अचार।
दोनों डब्बों में मैंने अचार भर दिया है, लेकिन ये जब थोड़े से सूख जाएंगे एक आध दो दिन में तो ये कम हो जाएंगे। जैसे ही सूखता जाएगा तो ये कम होते जाएंगे, लेकिन इतना अचार और दूसरे डब्बे में अभी भर के रख देती हूँ। और मुँह में पानी आ रहा है, और देखिए अचार का पीस, आप सभी के मुँह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।